आपको ईमेल के थ्रू आपको वहाँ पर पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, जिसका वो आपको अपॉइंटमेंट का रिप्लाई करेंगे और सिर्फ वही बंदे वहाँ पर आप जाते हैं जो जिनकी अपॉइंटमेंट होती है। बगैर अपॉइंटमेंट के आप वहाँ पर कोई नहीं जाता। और जब से ये नए एम्बेसडर आए हैं यहाँ पर मोहम्मद इमरान, तो इन्होंने बहुत अच्छा नज़्म व ज़ब्त यहाँ पर कायम किया है और एम्बेसी को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ इनके बहुत अच्छे रवाबित हैं और बहुत इन टच रहते हैं। और जितने भी पाकिस्तानी त्यौहार होते हैं, जैसे 14 अगस्त हो गया या कायदे आज़म का दिन हो गया 25 दिसंबर, तो इस तरह ये बहुत अच्छे से उसमें फंक्शन अरेंज करते हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी को इनवाइट करते हैं। तो बहुत अच्छा एक छोटे पाकिस्तान का सा समा होता है वहाँ पर और बहुत अच्छे से बहुत अच्छी अपने मुल्क की याद आती है और बड़ा अच्छा फील होता है। तो अब पहले से काफ़ी डिफरेंट हो गई है पाकिस्तान एम्बेसी रूल्स रेगुलेशन। और उन्होंने मतलब उनकी वजह से, जब आपको पता है कि एक हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट अच्छा हो तो उसके सबॉर्डिनेट जितने भी होते हैं तो वो सब बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो अभी मतलब जैसे ही आप विंडो पर जाते हैं तो बहुत अच्छे से आपको रिसेप्शन मिलता है वहाँ पर और बहुत ही कोऑपरेटिव स्टाफ है। तो हम आपको लेकर चलते हैं पाकिस्तान एम्बेसी डबलिन। तो हमारे साथ रहिए और इस ब्लॉग को देखिए आप आखिर तक। तो उम्मीद है आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आएगा, आप बहुत एंजॉय करेंगे और आपके इल्म में भी इजाफा होगा कि आप कम टाइम में कम पैसों में आसानी के साथ आप कैसे डबलिन एम्बेसी पहुंच सकते हैं। तो हमारे साथ रहिए और देखते रहिए इस ब्लॉग को आखिर तक। आइए देखते हैं।
ये लेटर बॉक्स को दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि हम लोगों ने पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल बिल्कुल ही छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर अब भी लेटर आपके आते हैं, सरकारी दफ्तरों से आते हैं, लोग लिखते हैं, लेकिन हमारे वहाँ बिल्कुल ये लेटर सिस्टम उन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म ही कर दिया, एक किस्म का तबाह कर दिया ये। अभी तक ये अपनी हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा पैसे जनरेट करते हैं पोस्ट ऑफिस से। जो कि यहाँ की इकॉनमी में रीढ़ की हैसियत रखता है। ये देखें, यहाँ पर कोई भी आपका लेटर है, पाउच है, इसमें इसके अंदर डाल सकते हैं। इसको यहाँ से लॉक किया हुआ है अभी, तो इसको हम खोल के नहीं दिखा सकते, ये इसके टाइमिंग है। ये बड़ा अच्छा सिस्टम है यहाँ पर, ये देखें, बाकायदा पोस्ट ऑफिस आपको लोन भी देता है, पोस्ट ऑफिस में आप अपना अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। Thank you.
तौर पर तो मैं बस में सफ़र नहीं करता, और लेकिन आज मैं एम्बेसी जाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि चूँकि आप हो सकते हैं आप कहीं दूर से आएँ तो आप बस कौन सी लेंगे और कहाँ से लेंगे, ताकि आपको एम्बेसी जाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो, आपको किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो इस वक्त हम लोग यहाँ पर बस नंबर 7 का इंतज़ार कर रहे हैं, जो मुझे लग रहा है कि वो सामने से आ रही है। अगर आप देख सकें तो, अगर मेरा कैमरा दिखा सके तो, ये बस आ रही है और यहाँ से एलिसबेरी रोड के 3 यूरो लगेगा टिकट। तो आपके पास कॉइन्स होने चाहिए, अगर आपके पास कॉइन्स नहीं है, नोट है, तो वो फिर आपको जो आपको बकाया होगा, जो आपको चेंज होगी, तो वो आपको फिर इसके हेड ऑफिस से जाकर लेनी पड़ेगी। वो चेंज आपको यहाँ बस में नहीं मिलेगी। तो इस वजह से आप कोशिश करें कि आपके पास कॉइन्स हों, जो आप उसमें कॉइन्स डाल दें। नहीं, ये हमारे 7 नंबर बस नहीं है, ये आउट ऑफ सर्विस है, तो हमें थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी हमने 7A की राइड ली थी और अब हम एल्सबेरी रोड पर उतर गए हैं, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एम्बेसी कैसे आप एल्सबेरी रोड पर पहुँचेंगे। या आपने मेरियन रोड के ऊपर एल्सबेरी स्टॉप पे आपने उतर जाने हैं। ये बहुत ही खूबसूरत एरिया है, बहुत ही क्वाइट, बहुत ही खूबसूरत, और ऑलमोस्ट एम्बेसीज जो हैं तो इसी रोड पर हैं। ये देखिए, आप जब यहाँ आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, जैसे आप छोटे पाकिस्तान जा रहे हैं। और स्टाफ यहाँ का बहुत ही अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव, एम्बेसडर जो नया है यहाँ पर बहुत ही अच्छे, उन्होंने तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी को जो है तो यकजा किया हुआ है, और वक्तन फवक्तन वो सबसे मुलाकात करते हैं, फंक्शन अरेंज करते हैं, कोई फेस्टिवल हो वो अरेंज करते हैं, सबको इनवाइट करते हैं ये यहाँ पर, और बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा माहौल होता है। देखिए
सबसे पहले तो आप पाकिस्तान का झंडा देखें ना। जब आप पहुंच जाते हैं पाकिस्तान एम्बेसी और आप एंटर होते हैं रिसेप्शन में, तो वहां पर आपका इस्तकबाल करते हैं मोहम्मद शाहिद हुसैन तिरमजी साहब, जो बहुत ही अच्छे, वो इखलाक के भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और बहुत अच्छे से आपका मसला सुनते भी हैं, और अगर उसमें कोई कमी पेशी हो तो आपको वो एडवाइस भी करते हैं, आपको समझाते भी हैं और आपके वो प्रॉब्लम्स भी फिर उस हिसाब से वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत ही अच्छे, बहुत कोऑपरेटिव हैं शाहिद हुसैन तिरमजी साहब, तो जब भी आप जाइए तो उनसे ज़रूर मिलिए, तो आपको अच्छा लगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो ये थी पाकिस्तान एम्बेसी, और पाकिस्तान एम्बेसी आने का बहुत ही आसान तरीका, और जबकि स्टाफ आपने देखा कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये बात करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी हम आते हैं तो हमें अपने वतन की याद मज़ीद सताने लगती है। तो इसके साथ ही हम आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।